हेलो, मैं हूँ ड्राइंग टीचर कौशिक और मेरे एक नया वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका ड्राइंग प्रैक्टिस बहुत बढ़िया चल रहा है। तो चलिए आज हम लोग करेंगे एक टीचर्स डे के ऊपर एक सुंदर सा ड्राइंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी एक ड्राइंग मैं सिखाऊंगा आज। ये एक पेन स्टैंड बनाना है हम लोगों को बहुत ईजी तरीके से, कुछ लाइनों के द्वारा यहाँ पे एक पेन स्टैंड बनाना है। मैं यहाँ पे मार्कर पेन यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग पेंसिल से कीजिएगा। पेन स्टैंड के अंदर पहले हम लोग एक ब्रश बनाएंगे, उसके बाद उसके बगल में एक पेंसिल, देखिए बहुत इजी तरीके से हो रहा है। फिर नेक्स्ट एक ब्रश बनाना है, एक पेंसिल, फिर और एक ब्रश। पहला वाला ब्रश जैसे हुआ था वैसे ही सेम तरीके से। फिर धीरे धीरे हम लोग एक स्केल बनाएंगे बहुत इजी तरीके से, स्ट्रेट लाइन बना के। चलिए हम लोगों का पेंसिल कंप्लीट हो गया है पूरा। यहाँ पे थोड़ा शैडो बनाना है अब हम लोगों को, देखिए बहुत इजी तरीके से। अब कुछ बुक रखा हुआ है ऐसे हम लोग दिखाएंगे यहाँ पे, देखिए बढ़िया तरीके से लाइन की मदद से हम लोग बुक दिखा देंगे, एक के ऊपर दूसरा बुक। देखिए बहुत इजी तरीके से हम लोग बनाएंगे। देखिए हम लोग का बुक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग एक टीचर्स डे का कार्ड बना लेंगे बहुत इजी तरीके से, बस कुछ लाइनों के मदद से। एक चौकोन बनाना है और उसके नीचे एक लाइन बनाना है। अब इस कार्ड में लिख लेंगे हम लोग हैप्पी टीचर्स डे। आप भी बहुत सुंदर तरीके से लिखिएगा ऐसे ही। देखिए हम लोग का ड्राइंग ऑलमोस्ट पूरा ही कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कलर स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पे पेस्टल कलर यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग कोई भी मीडियम यूज़ कर सकते हैं जैसे कि वाटर कलर, पेंसिल कलर या फिर कोई भी दूसरे तरीके का कलर। यहाँ पे पहले हम ग्रीन कर रहे हैं, जितना हो सके ब्राइट कलर से यूज़ कीजिएगा, जितना ब्राइट कलर यूज़ करेंगे उतना ड्राइंग दिखने में बढ़िया लगेगा। एक्चुअली बहुत जन क्या करते हैं, अपने टीचर्स को कुछ कार्ड वगैरह गिफ्ट देते हैं टीचर्स डे में, तो कार्ड के कवर में ये ड्राइंग आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगेगा कार्ड, आपका कार्ड बहुत ही सुंदर बनेगा।
देखिए ग्रीन हो गया, अब हम लोग येलो यूज़ करेंगे। आप ध्यान से धीरे धीरे कीजिएगा। चलिए येलो हम लोग का कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग करें थोड़ा सा शेडिंग। अब शेडिंग बहुत ज़रूरी नहीं है इस ड्राइंग में, बट थोड़ा सा देंगे हम लोग। शेडिंग से क्या होता है, ड्राइंग थोड़ा सा और भी सुंदर लगता है। लाइट ब्लू के लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा थोड़ा डीप ग्रीन दे देंगे, और मीडियम येलो जहाँ पे यूज़ किए हैं उसके लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा एरिया हम लोग डीप येलो दे देंगे। अब लाइट ग्रीन लेके डीप ग्रीन और लाइट ग्रीन के बीच में थोड़ा अच्छी तरीके से ब्लेंड कर देना है, जिससे सुंदर लगे ड्राइंग। हम लोग को ब्रश में कलर करना है। एक ब्रश में पहले पिंक यूज़ कर रहे हैं हम, आप दूसरा कोई भी ब्राइट कलर यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ब्रश में रेड यूज़ कर रहे हैं। नीचे वाला हिस्सा हम लोग कलर कर रहे हैं, ऊपर में एक्चुअली स्टील का रहता है तो ग्रे और वाइट होगा। लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा ग्रे कर लेंगे हम ऊपर वाले हिस्से में। देखिए कंप्लीट हो गया। अब स्केल में करना है। स्केल में हम येलो यूज़ करेंगे, डीप येलो। आप देख लीजिए देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से हम लोगों का स्केल कंप्लीट हो चुका है। अब पेंसिल में करना है। पेंसिल में हम लोग पहले ऑरेंज यूज़ करेंगे। और ऊपर वाले हिस्से के लिए थोड़ा सा पिच या फ्लैश टिन, दूसरे पेंसिल के लिए येलो कलर। अब हम लोग ब्रश का हेयर वाला एरिया करेंगे, उसके लिए पहले ब्राउन नीचे वाले हिस्से में, उसके बाद उसके साथ थोड़ा लाइट ब्राउन मिक्स करना है। देख लीजिए बढ़िया तरीके से हो गया कंप्लीट। देखिए कंप्लीट हो गया। अब कार्ड में कलर करना है। कार्ड के लिए हम लोग यूज़ करेंगे लेवन येलो। और ऑरेंज से हम लोग साइड साइड में थोड़ा शेडिंग कर देंगे। शेडिंग ज़रूरी नहीं है, लेकिन शेडिंग से ड्राइंग और भी सुंदर लगता है, तो हम लोग शेडिंग का उपयोग करेंगे यहाँ पे। देखिए हम लोगों का पेन स्टैंड ब्रश वगैरह पेन जो भी था सब हो गया कंप्लीट। स्केल वेल सब कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे बुक में। बुक में तीनों बुक में अलग अलग कलर होगा। बुक के कवर में हम लोग ऑरेंज करेंगे पहले वाले बुक में, ऊपर सबसे ऊपर वाले बुक में, उसके बाद करेंगे पिंक। बहुत ईजी तरीके से लास्ट वाले बुक में
स्काई ब्लू या फिर लाइट ब्लू यूज़ करना है। अगेन आप लोग कोई भी अपने हिसाब से कलर यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा ब्राइट कलर यूज़ कीजिएगा। मैं जो कलर यूज़ कर रहा हूँ वही कलर यूज़ करना है, ऐसा कोई बात नहीं है, आप अपने मन से कलर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अब शेडो का बारी है, शेडो में हम लोग पहले ब्लैक करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद डार्क ब्राउन से थोड़ा मिक्स करेंगे। बुक का जो शेडो था उसमें भी सेम तरीके से हम लोग कलर करेंगे, पहले होगा ब्लैक उसके साथ थोड़ा सा ब्राउन, मतलब डार्क ब्राउन। देखिए सुंदर तरीके से हम लोग का कंप्लीट हो गया है। अब बुक का पेजेस के लिए हम लोग पेंसिल से थोड़ा शेडिंग कर देंगे। देखिए सुंदर तरीके से हम लोगों का ड्राइंग कंप्लीट हो गया है। मैं ऐसे ही इजी इजी ट्यूटोरियल लाता रहता हूँ, और इसीलिए इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एक लाइक कीजिए और ध्यान से कमेंट भी कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी और एक वीडियो में। टाटा बाय, अपना ख्याल रखें।